प्राइवेट सेक्टर से, और वहाँ पर व्यवस्था इस तरीके से हो कि हम उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाए। जो लोग उससे व्यवस्था में जुड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है कि कोई एक अपॉर्चुनिटी छोड़ के ही, एक डॉक्टर प्राइवेट अपॉर्चुनिटी छोड़ के ही सरकारी नौकरी में टिकता है, तो दोनों जगह उसके कॉस्ट हैं। तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हम बातचीत करना चाहते हैं, और हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कुछ ऐसे सजेशंस निकले जिससे हमारा सरकारी हेल्थ सिस्टम जो है वो और बेहतर हो सके। डॉक्टर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप तो एम्स में रहे हैं, कितना प्रेशर होता है? अभी बातचीत में हम लोग ये पॉइंट निकल कर आया कि इतना प्रेशर होता है जिसकी वजह से भी थोड़ा बहुत इस तरीके के भ्रष्टाचार की गुंजाइश बनती है। एम्स पर जो प्रेशर है वो अपने आप में एक कहानी है कि पूरे देश का, आप कह सकते हैं कम से कम नॉर्थ इंडिया का, अगर एम्स दिल्ली की हम बात करें, नॉर्थ इंडिया के कोने कोने से केसेस निकल कर आते हैं। क्या सारे केसेस इतने क्रिटिकल होते हैं जो और उससे नीचे, एम्स से नीचे कहीं डील नहीं हो सकते, राजधानियों में डील नहीं हो सकते? तो प्रेशर जो आता है डॉक्टर मिश्रा, वो अपने आप में सबूत है कि हमें ठीक करने की ज़रूरत है नीचे जो अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको। बिल्कुल मनोज जी, धन्यवाद ये चर्चा रखने के लिए। आपने कहा कि एम्स दिल्ली में रोगियों की संख्या अत्यधिक होती है, और एम्स दिल्ली का जो एक गुणवत्ता के मामले में एक रेपुटेशन बनी है उनकी, उस वजह से लोग आते हैं। दूसरा, दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकार के जितने चिकित्सालय हैं, चाहे वो आरएमएल हो, सफदरजंग हो, एलएनजेपी हो, जीबी पंत हो, सभी में रोगियों की संख्या अत्यधिक होती है, जीटीबी हो, क्योंकि हमारे जो राज्य हैं, जैसे अगर जब हमने एक शोध किया उसमें ये पाया कि करीब आधे रोगी जो हैं वो दिल्ली के बाहर के होते हैं जी, उसमें 22% उत्तर प्रदेश से, 11% बिहार से, झारखंड से, फिर इधर जो हमारे पास में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इन सब से रोगी आते हैं, क्योंकि इन सभी केंद्रीय सरकार के चिकित्सालयों में सुविधाएं लगभग बिना किसी कॉस्ट के हैं, फ्री हैं, जिसको आप कह सकते हैं जी। दूसरे उपलब्ध हैं, अच्छे एक्सपर्ट्स उपलब्ध हैं, अच्छे जो जांच करने के उपकरण हैं वो उपलब्ध हैं, अच्छे स्पेशलिस्ट उपलब्ध हैं, और बहुत काम होता है इन सभी केंद्रीय सरकार के चिकित्सालयों में। 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख के ऑपरेशन होते हैं साल के, और कितने रेजिडेंट्स की ट्रेनिंग होती है, आप मतलब अंदाज लगाइए कि यहीं से, ये बेसिकली गोल्ड माइन ऑफ हमारा हेल्थ जो हम कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं देश के लिए भी, और बहुत सारे लोग विदेश भी चले जाते हैं यहाँ से ट्रेनिंग लेके, डॉक्टर्स भी, नर्सेस भी, और बाकी स्टाफ भी। तो इनकी जो एक अहमियत है इन अस्पतालों की, उसको तो हम कम नहीं आंक सकते, चाहे वो कोई भी हो, सफदरजंग हो, आरएमएल हो, सभी के, और एम्स तो है ही इसमें जी, जी। और तो ट्रेनिंग 3 साल सीनियर रेजिडेंसी में मिल जाती है, 3 साल पीजी में मिल जाती है, वो कहीं और निजी चिकित्सालयों में नहीं मिल पाता है वो एक्सपोजर। मैं खुद उत्तर प्रदेश से आया था जब मैंने एमएस करी थी, और तो मुझे यहाँ पे एक्सपीरियंस 3 वर्षों में मिला, वो शायद मुझे 15 वर्ष में भी किसी और दूसरे चिकित्सालय में या अस्पताल संस्थान में काम करके नहीं मिलता। तो ये एक बहुत बड़ा हमारी स्ट्रेंथ है, और इसमें मैं समझता हूं कि जिस जो आपने मुद्दा उठाया है उसकी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे मिश्रा साहब ने भी कहा और राजीव सूद साहब ने भी कहा, देखिए मैं मानता हूं कि 99% लोग जो काम करते हैं, और शायद इसकी संख्या उससे ज्यादा भी हो, वो लोग ईमानदारी से अपना काम करते हैं, बिना किसी लालच के करते हैं। ये मेरा लगभग 37 वर्ष का अपना एम्स के साथ जुड़ाव है, उससे मैं कह सकता हूँ जी जी। लेकिन जब तब कोई एक आध केस अवश्य निकलता है, मैं इस तरह के जो एलिगेशंस लगते हैं, और बाद में कुछ में वो प्रूफ भी होते हैं, कुछ में प्रूफ नहीं हो पाते हैं, और ये मैं समझता हूँ
अब हम पे स्वयं पे निर्भर करता है कि हम क्या कर रहे हैं, कितना गिरे और किस चीज के लिए गिरे। आज सरकार में सैलरीज बहुत अच्छी हैं, डॉक्टर्स की भी, नर्सेस की भी, बाकी पैरामेडिकल स्टाफ की भी। अगर आप प्राइवेट निजी क्षेत्र से इसकी तुलना करेंगे तो जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी सैलरी प्राइवेट से बेहतर है गवर्नमेंट में जी। तो आप इसका अंदाज लगा सकते हैं कि ऐसी बात नहीं, सुविधाओं की कमी नहीं है, फिर मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं सबको, छुट्टी का बड़ा बेनिफिट होता है। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद फिर से इस चर्चा को जारी रखेंगे और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शुरू में भी मैंने कहा ये हमारे शिक्षा व्यवस्था के सिरमौर हैं, जिन अस्पतालों का नाम डॉक्टर साहब दे रहे हैं दिल्ली के, और ना सिर्फ दिल्ली में, मुंबई में और राज्यों में भी कई जगह ऐसे सरकारी अस्पताल हैं जो अपने आप में एक मिसाल हैं। और हम तो ये मानते हैं कि जो सरकारी व्यवस्था है वही देश के आम आदमी के लिए है, नहीं तो प्राइवेट चिकित्सा व्यवस्था बहुत अच्छी है उसमें, लेकिन जाना है तो आपका घर भी बिक जाता है, ये भी एक